इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां एक ढाबा संचालक का शव लावारिस हालत में मिला है। शव को लेकर परिजनों ने आगरा जलेसर मार्ग को जाम कर दिया है। कल दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकला था ढाबा संचालक, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क को जाम कर दिया है। मौके पर पहुंचे सीओ एतमादपुर ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह पूरा मामला थाना बरहन क्षेत्र के आवलखेड़ा का है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको खबर एक्सपर्ट पर बता रहे हैं, जहां एक ढाबा संचालक का शव लावारिस हालत में मिला है। तो वहीं परिजनों ने शव को लेकर आगरा जलेसर मार्ग जाम कर दिया है और बताया है कि दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकला था ढाबा संचालक, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क को जाम कर दिया है। मौके पर पहुंचे सीओ एतमादपुर ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह पूरा मामला आगरा के थाना बरहन क्षेत्र के आवलखेड़ा का बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। पवन, ढाबा संचालक का शव मिला है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल, ये पूरा मामला आगरा के थाना बरहन क्षेत्र के आवलखेड़ा का है, जहां पर आवलखेड़ा के आगरा जलेसर मार्ग पर इस युवक का ढाबा है। आकाश ढाबा नाम से ये ढाबा चलाता है और इसका नाम आकाश है। और ये कल इसने एक नया अपना एक धंधा धर्म कांटे का खोला था। धर्म कांटे की पार्टी इसने अपने दोस्तों के साथ दी थी, इसके बाद से वो घर नहीं पहुँचा था और इसका शव एक शराब के ठेके के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने इसे एक्सीडेंट बताकर इसके पोस्टमार्टम के लिए इसके शव को भेज दिया था। लेकिन जब इसका शव वापस आज गांव में पहुंचा, दोपहर जब गांव में पहुंचता है तो उसके बाद जो परिजन है उनका गुस्सा बढ़ जाता है और गुस्साएं परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आगरा जलेसर मार्ग को जाम कर देते हैं। इसके बाद फिलहाल अभी मौके पर सीओ एतमादपुर सहित सर्किल का फोर्स मौके पर पहुंच गया है और लोगों को जो ग्रामीण हैं और जो परिजन हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सीओ एतमादपुर का कहना है कि जल्द ही घटना की खुलासा कर दिया जाएगा, जो भी परिजनों का आरोप है उसको तहरीर लेकर घटना की जाँच की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पवन, ज़्यादा जानकारी के लिए आपका। तो आगरा से बड़ी खबर है, जहां ढाबा संचालक का शव लावारिस हालत में मिला है, तो वहीं गुस्साए परिजनों ने आगरा जलेसर मार्ग जाम कर दिया है। इस पूरे मामले पर सीओ एतमादपुर रवि गुप्ता का क्या कहना है, सुनिए। ये आवलखेड़ा थाना बरहन निवासी आकाश पुत्र भवन सिंह निवासी ग्राम गढ़ी की मध्य रात्रि में ठेके के सामने घायल अवस्था में पाया गया और इलाज के लिए ले जाने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इनके पारिवारिक जनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है, उनसे तहरीर दी गई है, जिसमें तीन नेम्ड और तीन अज्ञात लोगों का नाम उन्हें दिया है तहरीर में। तहरीर प्राप्त कर ली गई है और आगे की कार्रवाई। जी, परिजनों का आरोप है कि पुलिस को रात 12 बजे सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस सुबह 5 बजे पहुंची है। देखिए, रात नहीं पुलिस को सूचना मिली, हमने पुलिस यहाँ समय पर पहुंच गई है और बाकी की सारी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी सजा दी जा रही है, हमने इनसे तहरीर ली है, आगे की कार्रवाई की जा रही है।